Hello friends, myself Professor Chetan Birla, and today we are going to start with the fundamentals of financial management, and the topic is capital structure. So let us start the topic capital structure. So the topic is capital structure, meaning and characteristics. So in this ये question जो है आपको exams में बहुत बार पूछा गया है. They have asked you in April 15, 16, 18, March 19 and September 20 में ये question पूछा गया है कि भाई what is capital structure and explain the ideal characteristics of capital structure. तो लेट अस स्टार्ट विद द कैपिटल स्ट्रक्चर. इंट्रोडक्शन है पहला पॉइंट. विदाउट सफिशिएंट कैपिटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी विल रिमेन ऑन पेपर. डेफिनेटली विदाउट सफिशिएंट कैपिटल, अगर मेरे पास कैपिटल ज्यादा नहीं है, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी क्या हो जाएगा? सिर्फ पेपर पे रह जाएगा, क्योंकि जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसके लिए मुझे कैपिटल तो चाहिए ही ना. विदाउट कैपिटल मैं कैसे करूंगा, राइट? सो टू कन्वर्ट द प्लानिंग ऑफ द कंपनी इन टू रियालिटी एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट शुड कंसिडर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. तो जब हमें अपने प्लानिंग को कन्वर्ट करना है कंपनी इन टू रियालिटी में, तो हमें अचीव करना पड़ेगा हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी को, तभी हम हमारी कंपनी को रियालिटी में ऊपर उठा पाएंगे. सो मैनेजमेंट शुड कंसिडर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट. जो भी टाइप के कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो हम सबको सोचने होंगे, मैनेजमेंट को सोचना होगा. सो फॉर दिस पर्पज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेट करेंगे वेरियस फैक्टर्स को. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहाँ से लाना है, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज क्या देनी है, एंड देयर आफ्टर वो फ्रेम करेंगे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. सो एन आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर इज द प्री कंडीशन होता है ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस का. दैट मीन्स अगर आपकी बिजनेस को स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए आपको उसका जो प्री कंडीशन है, पहला कंडीशन है, एंड दैट इज आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर होना, राइट? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वॉट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल होना. With the help of different types of securities are there. The views of experts on capital structure as us under. अब हमारे बहुत सारे views थे, उनमें से हमने तीन most important views लिए हैं. तो पहला है according to Jenston Berg से that capital structure or financial structure of a company is the makeup or form or comparison of capitalization होता है. द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज जो भी हम लोग इशूड करते हैं एंड हमारे जो भी रिलेटिव प्रोपोर्शन है ऑफ ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन टोटल कैपिटलाइजेशन में होगा. यस, आई रिपीट अगेन. तो जेंसबर्ग ने क्या बोला था कि हमारा चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर हो या हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो हमारी कंपनी का, इज द मेकअप होता है या फॉर्म या कंपेरिजन ऑफ कैपिटलाइजेशन होता है. दैट इज द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड, हमें किस टाइप की सिक्योरिटीज को इशूड करना है, एंड उसका रिलेटिव पोर्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज ही हमें टोटल कैपिटलाइजेशन तक पहुंचाएगा. मतलब हमारा जो टोटल कैपिटलाइजेशन है उसे हमें वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और उन सबको प्रोपोर्शनेट में डिवाइड करके हमारा कैपिटल को खड़ा करना है. अकॉर्डिंग टू जॉन हंटन ने क्या बोला, दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कंपोजिशन ऑफ डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज से बना हुआ है जो कंप्राइज करता है फर्म को फाइनेंसिंग ऑल इट्स एसेट्स. कंपोजिशन का मतलब हो गया ऑफ डेट का, डेट प्लस इक्विटी सिक्योरिटीज दोनों को मिला और तब जाके आपका कैपिटल जो है स्ट्रक्चर खड़ा होगा. हॉगलैंड ने क्या बोला, कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल स्कीम मींस इट्स शेयर्स आर बॉन्ड्स विच आर अनपेड. सो अकॉर्डिंग टू द अबाउट डेफिनेशन कंपनी हैज टू कंसिडर द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज को कंसिडर करना पड़ेगा एंड द शेयर्स इट प्रपोजेज टू इशू द रेज कैपिटल फॉर इटसेल्फ.
ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंसेस, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स ये सब इंक्लूड होते हैं अंडर सिक्योरिटीज। चल आगे चलते हैं। सो अभी हमने जो पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें सिक्योरिटीज चाहिए, तो इन दिस डायग्राम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी फ्रॉम टोटल कैपिटल हमारे पास जो है उसमें से 75% कैपिटल जो है इक्विटी शेयर का है, 10% जो है वो प्रेफरेंस शेयर का है एंड 15% डिबेंचर का है। तो इस तरीके से मेरे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज है उसको मैंने किस प्रपोर्शन में डिवाइड किया है वो हम पे डिपेंड करता है। यस, डिबेंचर का मतलब है बोरोड कैपिटल। सो नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। सो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपनी शुड बी क्या होना चाहिए, उसका आइडल होना चाहिए, बिकॉज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी डिपेंड करती है उसके कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर ही। सो फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट है सिंप्लिसिटी। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड भी क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यस, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो वो जितना सिंपल होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा है। सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स वन इन विच देयर आर लिमिटेड सिक्योरिटीज होती है। अंडर इट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ कंपनी आर मोर इजीली एस्टिमेटेड कर सकते हैं। सो कैपिटल स्ट्रक्चर विद सेवरल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज मेक द कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने बहुत सारे टाइप के सिक्योरिटीज को अगर इन्वॉल्व किया होगा तो वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा। वेयर इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर जो काफी लिमिटेड टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में होते हैं वो डेफिनेटली मोर एडवांटेजेस भी होते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी। यस, तो जितना कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा लिमिटेड रहेगा सिक्योरिटी उतनी ही ईजी हो जाएगी और फायदेमंद रहेगी फ्रॉम द व्यू ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी। ऑब्जेक्टिव्स, कैपिटल शुड बी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इसका मतलब सिंपल ऑब्जेक्टिव में क्यों बोला गया, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक होता है। तो जब कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमें पता हो तो उससे क्या होगा कि हमारे लिए एकदम वो क्लियर एंड स्पेसिफिक हो जाएगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एम करेगा एट फुलफिलिंग द प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा एंड वो प्रोवाइड करेगा फॉर अटेनमेंट ऑफ फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को आप अटेंड कर पाए। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस यूनिट जो है एंड दोज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट आर डिफरेंट होते हैं एंड सो देयर कैपिटल स्ट्रक्चर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस यूनिट एंड दोज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सो उनका कैपिटल स्ट्रक्चर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। थर्ड हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ यूनिट कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। यस, ये एकदम सही है कि फाइनेंशियल नीड्स ऑफ जो यूनिट होती है वो कीप्स ऑन चेंजिंग होगा अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हमारी फाइनेंशियल नीड्स चेंज होती है। तो देयरफॉर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, शुड बी सच एज ताकि वो हमें फैसिलिटेट कर सके नेसेसरी चेंजेस हम जो करते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन नीड्स। द फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी कंसिडर्ड बाई असेसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैपिटल। तो हमारी जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हम कंसिडर्ड कर सकते हैं असेसिंग करके। असेसिंग का मतलब होता है अपने आप का वो क्या बोलते हैं ना हम लोग, असेस करें कि हमको कभी कितनी रिक्वायरमेंट है, पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज होगी, कैपिटल अभी चाहिए या नहीं चाहिए या बाद में चाहिए, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैपिटल होगी। द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग कैपिटल कैन बी टैकल्ड इजीली। तो अगर आपका इंक्रीजिंग कैपिटल का एक प्रॉब्लम है तो उसको हम टैकल कर सकते हैं, बट दैट ऑफ अगर डिक्रीजिंग होगा तो इज अ टफ टू मैनेज, तो उसको मैनेज करना बहुत टफ होगा। सो इट नीड्स ट्रेमेंडसली प्रिसाइज एंड लेंथी कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है कैपिटल के लिए। तो मैनेजमेंट विश करेगा कि वो रिड्यूस कर दे अपना कैपिटल बर्डन इन फ्यूचर में। सो डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंसेस शुड बी इंक्लूडेड इन कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। सो थर्स यू कैन से दैट कैपिटल शुड बी क्या होना चाहिए, सफिशियंटली फ्लेक्सीबल होना चाहिए।
पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सिंप्लिसिटी पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, एंड बाद में हमने क्या पढ़ा, फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा, राइट। चल आगे चलते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज लिक्विडिटी। देयर शुड बी अ प्रोविजन होना चाहिए फॉर परफॉर्मिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एज एंड व्हेन दे एमर्ज। यस, सो देयर शुड बी, हमारे पास प्रोविजन होना चाहिए परफॉर्म करने का फाइनेंशियल लाइबिलिटी, मतलब हमारे पास पहले से एक प्रोविजन हो कि कभी भी अगर लाइबिलिटी की एकदम जरूरत पड़ गई फाइनेंस की, कभी भी एज एंड व्हेन दे एमर्ज, तो हमारे पास वो प्रोविजन हो और उसको हम यूज कर सके। सो अगर लैक ऑफ लिक्विडिटी होगा इन कैपिटल स्ट्रक्चर, देन इट लीड्स टू मैनी डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर मेरे पास फंड नहीं हुआ तो। सो लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी शोन इन प्रिसाइज परसेंटेज। यस, तो आप जब आपकी लिक्विडिटी है कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी की, आप उसको बता नहीं सकते हो एक प्रिसाइज परसेंटेज में। हाँ, बट द कंपनी हैज टू कीप डिसाइडिंग ऑन दिस फैक्टर पे, उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो चल रहा है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एमरजेंसी। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी शुड बी सच एज इट वुड प्रूव एफिशियंट अगेंस्ट फ्यूचर डिफिकल्टीज विच इज अराइजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का शुड बी सच दैट दैट इट वुड हैव एफिशियंट अगेंस्ट, मतलब उसके पास, आपके पास फाइनेंस इतना हो इफेक्टिव अगेंस्ट फ्यूचर डिफिकल्टीज में जो भी आए अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। द इन्वेस्टर्स शुड इन सो इंटरेस्ट, तो आपके जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो सो बताएं इंटरेस्ट आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में इन टाइम्स ऑफ रेजिंग एंड फॉलिंग प्राइसेस में। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, वो प्रेफर करते हैं डिबेंचर्स एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, सो व्हेन द प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग तो वो लोग खरीदते हैं, बट इफ द प्राइसेस आर राइजिंग दे शो एन एटीट्यूड हम नहीं खरीदेंगे ऑफ प्रेफरिंग इक्विटी शेयर्स। सो थर्स हम ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर्स ऑफ कंपनी शुड क्रिएट, उन्हें क्रिएट करना पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर विच वुड अनेबल देम टू फ्यूच फ्यूचर इमरजेंसीज। तो जो भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होगा वो क्या करेगा, एक कैपिटल स्ट्रक्चर उस तरीके से प्रिपेयर करेगा कि फ्यूचर में अगर कोई भी इमरजेंसी आई तो उनके पास वो प्रोविजन रहे, वो फंड उनके पास अलग से पड़ा रहे ताकि वो उसको यूज कर सके थ्रू इंटरनल रिसोर्सेज से, या उनको इशू करना हो न्यू कैपिटल तो वो न्यू कैपिटल को इशू भी करें। बट ये एक सारा काम किसका होगा, फाइनेंशियल मैनेजर का होगा। तो सिक्स पॉइंट है हमारा बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ अ कंपनी शुड वर्क आउट एट अ प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल नीड्स। यस, तो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल में हम ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर्स ऑफ अ कंपनी जो होती हैं शुड वर्क आउट ऑफ प्रॉपर एस्टिमेट से वो लोग काम करें ऑफ इट्स फाइनेंशियल नीड्स, एंड दैट लीड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फाइनेंस अकॉर्डिंग टू नीड्स, उनकी जो नीड्स है उसके हिसाब से काम करें। द रेशियो ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड दैट ऑफ बोरोड कैपिटल शुड भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए 2:1 के रेशियो में। एंड ड्यूरिंग अ प्रॉपर एंड एफिशियंट यूज ऑफ कैपिटल हो, देन इट शुड बी इंश्योर करे वो कि उनका जो भी प्रपोर्शन है वो फिक्स कैपिटल में है एंड वो वर्किंग कैपिटल वो लोग मेंटेन करके चलेंगे। सो द ओनर रेशियो ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल जो ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, 2:1 के रेशियो में होना चाहिए, दैट इज आर आइडल रेशियो। और बाद में आप ये भी ध्यान रखिए दैट ड्यूरिंग अ प्रॉपर एंड एफिशियंट यूज ऑफ कैपिटल इट शुड बी एंश्योर्ड, आप करें दैट द प्रोपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल क्या हो, मेंटेन्ड। सेवेंथ पॉइंट है इकोनॉमिकल। सो कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट टू इट्स डिबेंचर होल्डर्स, को इंटरेस्ट देना है रेगुलरली बेसिस पे, एंड इट हैज टू पे डिविडेंड टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस होल्डर्स, को आप अपना डिविडेंड भी पे करें। अ यूनिट विद रिस्की एंड अनसर्टन इनकम शुड ऑब्टेन कैपिटल थ्रू इक्विटी शेयर से ऑब्टेन करें, वेयर एज अ यूनिट विद रेगुलर एंड सर्टन इनकम ऊपर जा सकता है फॉर डिबेंचर्स या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर्स में। सो दिस अप्रोचेस लीड्स टू इकोनॉमिकल कैपिटल स्ट्रक्चर इन रेस्पेक्टिव कंपनीज में जाए। सो जो भी आप अप्रोच करते हैं इकोनॉमिकल कैपिटल स्ट्रक्चर वो रेस्पेक्टिव कंपनीज में ही जाना चाहिए। एट्थ पॉइंट है लेस एक्सपेंसिव। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्रेम्ड आप करें एंड एज वुड लीड टू ऑब्टेनिंग अ कैपिटल एट लोवेस्ट एक्सपेंस। नॉर्मली द एक्सपेंस ऑफ ऑब्टेनिंग कैपिटल कैन बी कैप्ट एट मिनिमम लेवल पे आप रख सकते हो एट रिजनेबल बैलेंस।
among the different types of securities में। यस, ये काफी क्या है, लेस एक्सपेंसिव भी है ना। सो कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सो फ्रेंड आप करें दैट इट वुड लीड टू ऑब्टेनिंग द कैपिटल एट लोएस्ट एक्सपेंस। सो नॉर्मली एक्सपेंस ऑफ ऑब्टेनिंग कैपिटल कैन बी कैप्ट एट मिनिमम लेवल एट रिजनेबल बैलेंस अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। नाइन्थ पॉइंट है अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स। सो कैपिटल स्ट्रक्चर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज आइडल माना जा सकता है व्हेन इट कैन अट्रैक्ट द वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट कर सकता है फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एंड फॉर दिस पर्पज के लिए आपकी जो भी स्कीम्स फॉर कन्वर्जेशन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स हो, अट्रैक्टिव डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो, स्कीम ऑफ गिविंग राइट शेयर्स, कैश सिक्योरिटीज स्कीम्स शुड बी इम्प्लीमेंट करना है। यस, तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज आइडल ही आप मान सकते हो जब आप उसको अट्रैक्ट करते हो वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के पास जाके कि देखो आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होगा। एंड फॉर दिस पर्पज के लिए आपको उनको स्कीम्स देनी पड़ेगी, दैट इज स्कीम्स फॉर कन्वर्जेशन ऑफ डिबेंचर्स इंटू शेयर्स। अगर आप हमको भी डिबेंचर्स हमारी कंपनी के खरीदते हैं तो बाद में हम उनको शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अट्रैक्टिव डिविडेंड हम आपको देंगे प्रेफरेंस शेयर्स में, स्कीम फॉर गिविंग राइट शेयर्स, जब हम फ्यूचर में राइट शेयर्स इशू करेंगे तो आपको पूरा हक होगा। कैश सिक्योरिटी स्कीम्स, तो मतलब आपको अपने इन्वेस्टर्स को स्कीम्स देनी पड़ती हैं क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। सो आफ्टर एनालाइजिंग द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन से दैट सम ऑफ देम आर कंफ्लिक्टिंग इन देयर नेचर में आते हैं एंड नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल भी नहीं है हमारे लिए मेंटेन करना ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स को इन वन कैपिटल स्ट्रक्चर में एट अ टाइम। सो आफ्टर कंसिडरिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज हमारा नेचर और बिजनेस क्या होगा, कैपिटल मार्केट, कंपिटिशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा, द कंपनी हैज टू स्ट्राइक अ बैलेंस अमॉन्ग दैम। तो कंपनी को क्या करना है, बैलेंस रखना है उनके बीच में, राइट। तो ये थे आपके आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो अब आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा था, तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग ने पढ़ा लिक्विडिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इमरजेंसी, देन वी स्टडीड बैलेंस, इकोनॉमिकल, लेस एक्सपेंसिव एंड अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स, राइट। चलिए अब इन पॉइंट्स को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। सो कैपिटल स्ट्रक्चर, सो हम लोग सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। सो डेफिनेशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, आई एम राइटिंग द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जेन जॉन हम्पटन। कैपिटल स्ट्रक्चर is the composition of debt plus equity securities। yes, आप plus की जगह पे and लिख देना, and equity securities that compromise a firm financing of its assets। सो कैपिटल स्ट्रक्चर, में से हम उनके आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं
So first point is simplicity. Second point, third point, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and ninth. Then is objectives. Flexibility, yes. Fourth point, liquidity. Fifth point, protection against emergency. Sixth point is balance. Seventh is economical. Eighth is less expensive. Ninth is attractive for investors. तो ये थे हमारे आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट? चल आगे चलते हैं. अब हम वन ऑफ द मोस्ट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है अभी तक इन द ईयर अप्रैल 14, 15, 16, 17 एंड 18. 19 एंड 20 में नहीं पूछा है, बट हाँ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ डेफिनेटली कि फैक्टर्स डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर अब के एग्जाम में आना चाहिए. यस, इसका क्वेश्चन फॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है कि भाई सोर्सेज ऑफ लॉन्ग कैपिटल मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. सो कंसीडरिंग दिस स्टेटमेंट डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमिनेट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर. ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है. सो प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल बिल्डिंग है. डेफिनेटली आपका एक प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक बेस है कंपनी के फाइनेंशियल बिल्डिंग. So therefore, while formulating the capital structure, the financial condition of the company should be kept in mind. तो जब भी आप फॉर्मुलेट करते हो कैपिटल स्ट्रक्चर को तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी को ध्यान में रखते हुए सब माइंड में सेट करना है. While formation of company's ideal capital structure, वो दो टाइप में डिवाइडेड है. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड होते हैं टू बी कंसिडर्ड. After studying the properly each type of factor only ideal capital structure can be framed किया जा सकता है. तो आपको internal and external factors दोनों पढ़ने हैं. चलिए तो internal factors क्या है जो determine करते हैं हमारे capital structure को. So first is need for finance. If the needs of a unit are long term है and it should obtain finance उन्हें मिलना चाहिए through equity share से, preference share से and debenture से मिलना चाहिए. ऑन दी अदर एंड अगर हम बात करें फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स द अरेंजमेंट कैन बी वर्कड आउट किया जा सकता है थ्रू बैंक ओवरड्राफ्ट से और कैश क्रेडिट से. द सिक्योरिटीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी डिटरमाइन किया जाएगा बाय द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड्स से डिसाइड किया जाएगा. तो नीड फॉर फाइनेंस में आपको ये बता दिया गया है कि आपकी जो नीड्स होती है वो लॉन्ग टर्म होगी एंड इट शुड ऑब्टेन थ्रू फाइनेंस थ्रू इक्विटी शेयर से. आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो या प्रेफरेंस हो या डिबेंचर से ही, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए तो आपको इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर से जाना होगा. और अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स हैं तो आप बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकते हो या कैश क्रेडिट ले सकते हो. तो आपकी जो भी सिक्योरिटीज है वो डिसाइड करी जाएगी कि आपको लोन जो चाहिए, फाइनेंस जो चाहिए वो शॉर्ट टर्म चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए. सेकंड, रिस्क इन बिजनेस. इफ द बिजनेस इज रिस्की है, यस, अगर आपका बिजनेस रिस्की है
A unit should raise capital. A unit should raise capital through equity shares से उन्हें करना चाहिए. A unit with more rigs should not include debentures in capital. तो जिस यूनिट में रिग्स ज्यादा हो उन्हें डिबेंचर्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में, बिकॉज द बिजनेस इज फुल ऑफ रिग्स से भरा हुआ है एंड दैट विल मेक डिफिकल्ट टू सस्टेन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑन डेट के सामने आप सस्टेन नहीं कर पाओगे. सो बिजनेस ऑफ मैचस्टिक सोप टी सुगर एंड लग्जरी आइटम्स फॉल इन टू सच रिस्की कैटेगरी में आते हैं. मतलब यहाँ पे आपको कभी भी डिबेंचर्स से सिक्योरिटी इश्यू नहीं करवानी है. So in companies with such business, the proportion of equity shares should be higher than the borrowed capital. Increase in trading on equity. So with the help of borrowed capital at a low rate of interest, if company earns more profit and after paying interest, if it can distribute comfortably more dividend, then it is called trading on equity. एक मिनट, क्या बोलते हैं trading on equity को? With the help of borrowed capital at a low rate of interest पे, आपने borrowed किया capital को at a low rate of interest पे, and if company earns करती है more profit after paying interest के बाद भी, then it can distribute comfortably more dividend और distribute कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं trading on equity. So if a business unit obtain करती है at 14% interest and earns 20% profit, the amount of interest is deducted from tax से minus हो जाएगा which is payable. And remaining profits can be distributed कर सकते हैं among the owners of the business maybe. Thus, sometimes without making any change in securities में change करे बिना the profit of owner can be increase किया जा सकता है and dividend at higher rate can be paid भी किया जा सकता है. Fourth point is control on management. The management of a company is under the control of equity shareholder के control में आती है. So on the other hand अगर मैं बात करूँ, under some circumstances the preference shareholders do not even have a right to vote. Yes, some circumstances mein preference shareholders ke paas koi right nahi hota hai vote karne ka, and thus the management favor karta hai decentralization of power ko will obtain through capital through equity shares se wo obtain kar lenge. But hamara jo management hai wo favor karta hai centralization of power ko aur wo go karega for different kinds of securities mein jane ke liye. एंड ये लीड करेगा मैनेजमेंट को विदाउट एनी इंटरफेरेंस एंड इंश्योर करे कि उनकी कंटिन्यूटी रहे, कंट्रोल रहे मैनेजमेंट के ऊपर. सो दिस इज कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट. रिपीट करूं फिर से, देखो मैनेजमेंट फेवर करता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को क्योंकि वो ऑब्टेन कर सकते हैं कैपिटल को थ्रू इक्विटी शेयर से, वो कैपिटल शेयर से पैसा ला सकते हैं. बट अगर मैनेजमेंट फेवर करेगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को तो उन्हें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज से पैसा लेके आना पड़ेगा और इसके वजह से क्या होगा, लीड टू मैनेजमेंट विदाउट एनी इंटरफेरेंस एंड वो एंश्योर नहीं कर पाएंगे कि आपका बिजनेस भी चल पाएगा कि नहीं कर पाएगा. द फिफ्थ पॉइंट इज फ्यूचर नीड्स. द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ यूनिट मस्ट बी प्रिपेयर्ड करना है आफ्टर कंसिडरिंग इट्स फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को ध्यान में रखते हुए. If the quantum of debt आपका high हो right from the beginning से, then it will be difficult to in future to raise capital through debt. सा पैसा नहीं पाओगे अगर आपका starting of the business से ही debt ज्यादा है तो. So thus at the time of determination of capital, the quantum of debt in a capital structure एक matter होता है of prime importance के लिए. तो जैसे आपने internal factors पढ़े अब वैसे ही हम पढ़ेंगे external factors भी. अब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, दैट इज फॉलोइंग एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को एंड दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. द फर्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. इफ द रेट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट लो है इन द मार्केट में, देन कैपिटल कैन बी रेज कर सकते हैं बाई इशूइंग डिबेंचर से भी विद अ स्लाइटली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. बट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट हाई हो, then equity shares should be issued करने चाहिए to raise capital में, यह ध्यान रखना है. So moreover अगर हम बात करें तो short term rate of interest should be considered किए जाएंगे. If the rate of interest in the capital market less है in comparison to rate of return of investment, I am repeating again,
इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द कैपिटल मार्केट काफी लेस है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से, या डिबेंचर्स शुड बी प्रेफर करें तो. सो कन्वर्सली इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मार्केट इज मोर हो इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन इट शुड बी एडवांटेजेस होना चाहिए टू ऑब्टेन फाइनेंस थ्रू इक्विटी शेयर से. तो हम फाइनेंस किससे ले, इक्विटी शेयर से ले. यस, अब देखो इसी चीज को मैं क्या बोलना चाहूंगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल मार्केट में लेस है कंपैरिजन टू आरओआई, या तब हम बोलेंगे डिबेंचर्स प्रेफर्ड होने चाहिए. राइट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल मार्केट मोर है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन हमें फाइनेंस किससे लेना चाहिए, इक्विटी शेयर से लेना चाहिए. तो ये चीजों का ध्यान रखना है. तो इसको आप चाहो तो ये फॉर्मूला के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं. कंडीशंस ऑफ कैपिटल मार्केट. द डिसीजंस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है हमारी कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट पे भी. सो नॉर्मली टू टाइप ऑफ सिचुएशंस हमने ऑब्जर्व किए हैं हमारे कैपिटल मार्केट में. पहला है इन्फ्लेशनरी एंड दूसरा है डिफ्लेशनरी. यस, इन टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन में द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी क्या होती है, गो अप, एंड सो इन्वेस्टर्स आर प्रिपेयर्ड के वो बाय करें इक्विटी शेयर्स. थस इन एन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ऑब्टेनिंग कैपिटल थ्रू इक्विटी शेयर हमेशा क्या जाता है, इजी हो जाता है. एंड कन्वर्सली इन टाइम ऑफ डिप्रेशन में द इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस एंड डिबेंचर्स को. इन सच टाइम्स अ यूनिट शुड रिजॉर्ट टू डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंसेस टू ऑब्टेन कैपिटल, वो ले सके. तो एवरीथिंग इस पर डिपेंड करता है, मेरे कंडीशंस ऑफ कैपिटल मार्केट पर डिपेंड करेगा. राइट, सो टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन अ कंपनी. द टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन फ्रेमिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हो डिबेंचर, वो अलाउड किया जाता है एज अ डिडक्शन फ्रॉम इनकम से वाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेस जो भी पेबल होता है बाय अ कंपनी. ऑन द अदर हैंड डिविडेंड इज ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है. सो इट इज नॉट अलाउड, नहीं है कि आप डिडक्ट करें एक्सपेंस. इन दिस कंटेक्स्ट इट मस्ट बी नोटेड, करना है दैट देयर इज अ ट्रेंड है इन इंडिया में टूवर्ड्स ऑब्टेनिंग कैपिटल. आप कैपिटल ऑब्टेन कर सकते हो थ्रू डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट से भी. एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. जब आपने फॉर्म किया तब एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स ऑलवेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इफ द इन्वेस्टर्स आर प्रिपेयर्ड है टू अर्न हायर इनकम बाय टेकिंग सम रिस्क लेने के, देन फाइनेंस कैन बी ऑब्टेन किया जा सकता है थ्रू इक्विटी शेयर से. बट इफ दे आर इंटरेस्टेड इन रेगुलर इनकम में, अगर वो इनको इंटरेस्ट है, देन वो ऑब्टेन कर सकते हैं फाइनेंस थ्रू प्रेफरेंसेस या डिबेंचर्स, वुड बी इजियर होगा. बट देयर वुड बी मैनी इन्वेस्टर्स हैं विद डिफरेंट एटीट्यूड्स के साथ इन अ सोसाइटी. सो अ सिंथेसाइजेस ऑफ वेरियस टेक्निक्स ऑफ रेजिंग कैपिटल वुड बी नेसेसरी होगा आपके लिए. राइट, चल तो देखो यहां पे मैं अगर हम बात करें द एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स ऑलवेज प्लेस करते हैं इंपॉर्टेंट रोल. अगर इन्वेस्टर्स प्रिपेयर्ड है कि उन्हें चाहिए हायर इनकम बाय टेकिंग सम रिस्क, देन फाइनेंस कुड बी ऑब्टेन थ्रू इक्विटी शेयर्स. तो अगर हमारे इन्वेस्टर्स को रिस्क ज़्यादा चाहिए, रिस्क ग्रेटर है, तो वो इक्विटी शेयर में पैसा लगाए. बट इफ दे आर इंटरेस्टेड इन रेगुलर इनकम, तो वो फाइनेंस ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू प्रेफरेंसेस और डिबेंचर से भी. बट मैनी इन्वेस्टर्स विद डिफरेंट एटीट्यूड इन सोसाइटी होते हैं, तो इसीलिए हमें सिंथेसाइज करना होगा वेरियस टेक्निक्स को रेजिंग कैपिटल एंड वो नेसेसरी बन जाए. चलिए अब इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं. ओके, तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स.
अब जो फैक्टर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, सो पहला है इंटरनल फैक्टर्स, दूसरा है एक्सटर्नल वन टू थ्री फोर, तो पहला पॉइंट था नीड फॉर फाइनेंस, सेकेंड है रिस्क इन बिजनेस, थर्ड पॉइंट इंक्रीज इन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फोर्थ कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट। तो ये थे हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो डिटरमाइन करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स, वन टू थ्री एंड फोर्थ पॉइंट इसके भी। तो इनमें था सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंडीशंस ऑफ कैपिटल मार्केट, टैक्सेशन स्ट्रक्चर, इन अ कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स। ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर के, जो बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप मेरे पास पहुंच सकते हैं ऑन 7600828696 पे। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।